मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 गिनतियां ते अपराध करना बंद करो बंद करो बंद रखा कखना रहे कखना रहे कखना रहे जी मेरा नाम ममता है मैं सरकारी एमआर कॉलेज जिला आगू पंजाब स्टूडेंट असि ने आज पुतला पुतला प्रदर्शन किया सी कॉलेज च ओ असि देख सकते हैं भी आ जिहड़ी 82 दिन तो न्यू जिहड़े दंगे होए आ मणिपुर वो खिलाफ़ असी किया एक तो मणिपुर की न्यूज़ सारियां नूं लगातार पता होना भी जो कुछ उत्थों दीआं औरतां नाल अपराध होया तो क्योंकि आपां लगातार इस समाज वेखदे रहिंदे भी अपराध एक सिर्फ उत्थे नहीं हुंदे बहुत जगह हुंदे आ पर कई सरकारां उत्थों दे पर्दा पा के उन्होंने बचा लैंदियां भी अपराध जिहड़े अपराधी हुंदे उन्हां नूं सज़ा नहीं दित्ती जांदी ते ओह अपराध दिनों दिन ही वधदा जा रहा अज तक जिहड़ा मणिपुर च हादसा होया वह भी इस हिस्से का ही है भी सरकार अपराधियों को सज़ा नहीं दवाती वो उन्होंने छड्ड दिंदी है जिवें असी काफ़ी ज़्यादा जिवें पहलवाना वाला पहला मामला सीगा वो भी अजे हल नहीं होया ब्रिज भूषण कोई भी केस नहीं होया कोई अरैसट नहीं किया गया उन्होंने तो राम रहीम तुसीं ला लो वो भी अजे बिल्कुल बाहर फिर उन्होंने कोई अजे नाल है नहीं तुसीं देख सकते हो भी जिहड़ा बिलकिस बानो का केस सी वो अजे तक लटकता आ रहा अजे उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई ना ही उन्होंने अजे उन्हां औरतां नूं इंसाफ मिलिया असी जिहड़ा वेखदे आ भी जिहड़ा औरतां प्रति इस समाज की सोच आ वो लगातार दिनों दिन घटती जा रही है मतलब घटिया प्रति तरीके ही औरतों को देखा जाता असी देखते हैं भी आम कितने आना जाने भी औरतों बड़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी है हर एक औरत संघर्ष चु लंघना पैंदा कितने रस्ते में छेड़खानी अज इन्ने ज़्यादा भी असी हर कोई भी न्यूज़पेपर देख लेना वो कितने ना कि छेड़खानी की न्यूज़ लगी होंगी है पर जिहड़ी सरकार है इत्थों की उन्होंने सोच इन्नी कु घटिया मानसिकता गिरी हुई है भी वो उन्होंने प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिंदी वैसे मोदी सरकार का एक कहना बहुत वधिया हुंदा भी हर एक न्यूज़ चैनल से चला दिंदे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ खेलोगा इंडिया जो कुछ भी आ इन्हां प्रति नीतियां बहुत वधिया पर उन्होंने स्वीकारना नहीं चाहती मतलब लागू नहीं करती औरतों प्रति एक पासे तुसी भाषण दे दिंदे हो भी औरतां आ कुछ करन आ कुछ करन मुड़ती उन्हां ते केस जिहड़े लगे हुंदे उन्होंने कोई भी इंसाफ नहीं मिलता वो लगातार जूझदियां आ रही औरतां लगातार उन्होंने संघर्ष उलना पैंदा असीं देख सकते हैं जिहड़ा मणिपुर च घटना होई इन्नी ज़्यादा दर्दनाक घटना सी भी जे कोई उहनूं देखदा सी जिहड़ी वीडियो वायरल होईआं फोटो आईआं जां सोशल मीडिया च आम न्यूज़ चल रही असीं हरेक न्यूज़ विच 3-4 दिन तो जिन्नी भी न्यूज़ आ रही 7 पेज अखबार च लगे होंदे इस चीज़ के भी आह कुछ उत्थों दा होया पर अज तक औरतां प्रति कोई भी इंसाफ की कोई भी अजे कार्रवाई नहीं की गई कि अलग तो अलग अरैसट किए गए पर अजे मैनू नहीं लगता उन्होंने प्रति कोई भी उन्होंने इंसाफ दिता जाऊगा क्योंकि वो सरकार हमेशा परदे ही पाँदी है उन्होंने सज़ा नहीं दवाती एक तो यह मंग है भी असी जे उतों के जड़िया औरतं उन्होंने एक तो इंसाफ दिता जाए एक जो मणिपुर के शांतिपुर को बहाल की जाए तो जोड़ा उतों का सीएम सीएम जरा इस्तीफा दिता जाए मेरा नाम जी कमलजीत है कमलजीत मारकी वा पंजाब स्टूडेंट यूनियन मीत प्रधान सरकारी एमआर कॉलेज फॉर तो ये जिहड़ा साडा प्रदर्शन सीगा ये केंद्र सरकार के खिलाफ सीगा जिहड़ा मणिपुर दे विच जिहड़ा हिंसक घटनावां जिहड़ियां वापर रही लगातार 82 दिन तो उपर जिहड़े दिन हो चुके आ ते जिहड़ियां लगातार औरतां ते घट गिनतियां के खिलाफ जिहड़ा सरकार जिहड़ी कदम चक रही है चाहे वह BJP ते RSS का जिहड़ा एजेंडा हैगा मिल के घट गिनतियां ते औरतां दे जिहड़ा खत्म करना तो इन्हों एक जिथे भी घटना कोई भी वापरती पिछले लंबे समय जो इन 47 वाक्या हो 84 का हो चाहे 2002 के गुजरात दंगे होने टारगेट जोड़ा औरतों ही किया जाता है तो असी वो खिलाफ़ जोड़ा मणिपुर जी घटना हैगी है तो वो जेड़े उन्होंने औरतों के हक लिए जो अज केंद्र सरकार तो उतु जरा जरा CM है वो जरा असी अज पुतला फूकया है तो असी कहने भी एक तो उन्होंने दोषियों जी सज़ा दी जानी चाहिए है तो औरतों को जरा इंसाफ दिता जाना चाहिए।